डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जब साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम हो अर्थात थोड़ी बेलोच हो तो ऐसी स्थिति में लगान क्या होगा इसके बारे में बता रही हूँ। देखिए, इसका सप्लाई कर्व है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ है, अर्थात ये पूर्णतया लोचदार से कम है। डिमांड कर्व डी है। सबसे पहले दोनों का संतुलन कहाँ होगा? ई बिंदु पर होगा। हमने एक्स एक्सिस पर श्रम की इकाइयां दिखाई है और वाई एक्सिस पर मजदूरी दिखाई है, तो मजदूरी दर क्या हो गई? ओ डब्ल्यू। अब मान लीजिए श्रम की मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने पर मांग वक्र डी से बढ़कर डी वन होगा और नया संतुलन बिंदु कहाँ होगा? जहां डिमांड और सप्लाई काट रहे हैं, ई वन बिंदु पर होगा। अर्थात अब ओ डब्ल्यू वन हो गई मजदूरी और श्रम की इकाइयां बढ़कर ओ एन वन हो गई। आप लोग देखिए, पहले रेंट था एस डब्ल्यू ई या एस ई डब्ल्यू लगान था, अर्थात कुल आय जो मिल रही थी उसमें से हमने कुल पूर्ति कीमत जो एस के नीचे वाला एरिया है वो घटा दिया है, तो रेंट था एस ई डब्ल्यू। और श्रमिकों की मांग बढ़ने पर अब ये एरिया लगान वाला बढ़ गया है और एस डब्ल्यू वन ई वन ये क्या हो गया है? लगान हो गया है, अर्थात मांग बढ़ने पर लगान भी पूर्वापेक्षा बढ़ गया है। तो एस जो सप्लाई कर है उसका नीचे वाला एरिया हम घटा देंगे, जो कि किसको बताता है? पूर्ति कीमत या हस्तांतरण आय को बताता है। तो हमें क्या मिल जाएगा? रेंट मिल जाएगा। तो ये मैंने तीनों स्थितियों में बताया है कि यदि पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार हो तो लगान शून्य होगा, यदि पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोच हो तो संपूर्ण आय ही क्या होगी? लगान होगी। और जब पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार से कम हो तो ऐसी स्थिति में हम लगान का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? तो अब हम देखते हैं लगान के आधुनिक सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि लगान उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होता है। उत्पादन के साधनों की आय का एक भाग क्या होता है? लगान होता है। और भूमि की सारी आय क्या होती है? लगान होती है, क्योंकि उसकी पूर्ति कैसी होती है? बेलोचदार होती है। और जितना ज्यादा साधन बेलोच होगा उसको उतना ही अधिक लगान प्राप्त होगा। और लगान की मात्रा किसके बराबर होगी? वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, इसके बराबर होगी। लगान उस समय उत्पन्न होता है जब या तो साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार हो या बेलोचदार से कम, पूर्णतया बेलोचदार से कम हो। यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत व आधुनिक सिद्धांत में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले आपने देखा कि रिकॉर्ड के अनुसार लगान केवल किसको प्राप्त होता है? भूमि को प्राप्त होता है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार लगान प्रत्येक साधन की आय का एक भाग होता है, अर्थात प्रत्येक साधन को लगान प्राप्त होता है। दूसरा, रिकॉर्डों ने यह माना कि लगान केवल भूमि की अविनाशी तथा मौलिक शक्तियों को के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र क्या मानते हैं कि लगान किसी साधन की वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय का अंतर है। तीसरा, रिकॉर्डों के अनुसार लगान कीमत में शामिल नहीं होता है, बल्कि यह किससे निर्धारित होता है? कीमत से निर्धारित होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि लगान और कीमत का संबंध इतना सरल नहीं है, ठीक है। और रिकॉर्डों के अनुसार लगान उत्पन्न होने का मुख्य कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में पाए जाने वाला अंतर है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार लगान उत्पादन के साधनों की विशिष्टता के कारण उत्पन्न होता है। तो ये चीज मैंने आप लोगों बच्चों बताई है। अब एक कंसेप्ट हम लोग और देखना चाहते हैं जिसे कहते हैं आभास लगान, क्वेजी ट्रेंट, या इसको अर्ध लगान भी कहते हैं। ये कंसेप्ट प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई है और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा बनाए गए उन साधनों से प्राप्त अतिरिक्त आय ही क्या है? आभास लगान है। और ऐसे साधन जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर होती है, अर्थात जैसे मशीन है, पूंजीगत संसाधन है, उनको अल्पकाल में उनकी पूर्ति स्थिर है लेकिन दीर्घकाल में उनकी पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उनका मानना है कि अल्पकाल में उत्पादन की जो पूंजीगत संसाधन है उनको जो कुछ भी प्राप्त होता है वो क्या चीज है? लगान है। अर्थात मार्शल के अनुसार आभास लगान शब्द का प्रयोग उस आय के लिए किया जाएगा जो कि उत्पादन के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई मशीनों तथा अन्य औजारों से प्राप्त
होती है। तो इसका मतलब अर्ध लगान किसके बराबर हो गया, कुल लगान माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। कुल आय में से क्या घटा दिया जाए, कुल परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो हमें अर्ध लगान या आभास लगान प्राप्त होता है। आप ये देखिए, ये एबीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत, ये सीमांत लागत है। आपको मैंने पहले भी डायग्राम में बताया था कि एमसी कर्व हमेशा एबीसी को मिनिमम पॉइंट पर काटते हुए आगे बढ़ता है। यदि मान लीजिए ओपी प्राइसेस है तो किसी प्रकार का कोई आभास लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में प्राइसेस किसके बराबर है, एबीसी के बराबर है। यदि प्राइसेज ओपी वन है तो संतुलन कहाँ होगा, ए बिंदु पर होगा, जहां एमआर एमसी को नीचे से काटते हुए आगे बढ़ रहा है। वस्तु की मात्रा कितनी होगी, ओ की वन होगी, कीमत कितनी होगी, ओ पी वन। तो कुल रेवेन्यू कितना हो गया, ओ पी वन ए क्यू वन। और कुल परिवर्तनशील लागत कितनी है, ये देखिए हमने यहां से ए से नीचे बी तक ए बी पर लाइन खींची है, तो कुल परिवर्तनशील लागत हो गई ओ टी बी क्यू वन क्यू वन। तो इनका अंतर कितना हो गया, पी वन टी बी ए, ये क्या हो गया, आभास लगान हो गया। यदि कीमतें और बढ़ जाती है तो आभास लगान भी बढ़ जाएगा, अर्थात लगान की आभास लगान किसके बराबर होगा, कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। आप लोगों को मालूम है कि आभास लगान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कीमतें एबीसी से कम हो जाती है तो उत्पादन करना क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि आर्थिक लगान और आभास लगान में क्या अंतर है, तो आर्थिक लगान किसके बराबर होता है, कुल आगम टीआर माइनस टीसी कुल लागत, जबकि आभास लगान टीआर माइनस टीवीसी के बराबर होता है। तो आप लोग देखते हैं कि आभास लगान आर्थिक लगान की अपेक्षा अधिक होता है। तो मैंने आज एक टर्म और आपको बताई है, दैट इज कॉल्ड आभास लगान या क्वेसीडेंट, जो कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई थी। तो बच्चों आज हमारा ये लगान वाला टॉपिक खत्म।